आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा डिलीशियस डेजर्ट जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही सिंपल है और खाने में तो लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं डेजर्ट इन अ जार और इसको हम कई तरीके से असेंबल कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा लीटर दूध, उसे बॉईल करेंगे, उसमें डालेंगे 125 मिलीलीटर ऑफ मिल्क प्लस 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके इसको 2-3 मिनट पकाएंगे और उसके बाद ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे आधा कटोरी मैंगो प्यूरे। मैंगो को बस हमने ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक स्ट्रेनर से यानी छन्नी से छान लेंगे। देखिए इसमें कोई भी लम्प्स बाकी नहीं है। इसमें डाल देंगे घर के सभी लोगों की पसंद के फ्रूट्स, एप्पल, मैंगोज, आम, अंगूर, केला और अनार, और जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं वो सभी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और अब हम लेंगे थोड़े से ओरियो बिस्किट्स, उसकी क्रीम को अलग करेंगे, बिस्किट्स को अलग करेंगे और बिस्किट्स को ग्राइंड करके उसका चूरा बना लेंगे। तो अब आई असेंबलिंग की बारी। सबसे पहले अपने सर्विंग ग्लास में हम डालेंगे ब्रिटानिया टूटी फ्रूटी केक, उसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, उसके ऊपर डालेंगे 2 या 3 चम्मच कस्टर्ड के और इसे भी अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये एक लेयर का काम करे। अब इस पे डाल देंगे बिस्किट का चूरा, इससे कलर भी चेंज हो गया और एक लेयर भी बन गई। अब डाल देंगे इस पे सुंदर सुंदर लाल लाल अनार, थोड़ा सा कस्टर्ड और अब डालेंगे टेस्टी टेस्टी ब्लूबेरीज, यम्मी स्ट्रॉबेरीज, आप ड्राइड भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे मेरा फेवरेट चॉकलेट सिरप, इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सब्जा के बीज यानी सोक्ड चिया सीड्स और इसे सर्व करेंगे टॉल ग्लासेस में ऐसे ही लेयरिंग करके। किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं हम, मंचीनीज लगा सकते हैं, हम 5-स्टार लगा सकते हैं, यहाँ पर हम डेरी मिल्क सिल्क लगा रहे हैं। देखिए हमने इस डेजर्ट को एक जार में भी बनाया है, जार खुलेगा तो टेस्ट बाहर निकलेगा। तो इस रेसिपी को बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये कैसी लगी, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए और ऐसी स्पेशल रेसिपीज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए डिवाइन एंड डिलीशियस किचन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।